नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सर अपने YouTube चैनल पे फिर से आपका स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने प्राइमरी वर्ब बी के बारे में और डू के बारे में पढ़ा था, तो अब समय है प्राइमरी वर्ब का तीसरा पार्ट जो हैव है उसके बारे में स्टडी करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हैव। यूज ऑफ हैव। जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि जो प्राइमरी वर्ब है उसके फोर फॉर्म्स होते हैं, तो उस तरह हैव के भी हमारे फोर फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्म होता है हमारा हैज और हैव, हैज और हैव, जहाँ पर हैज सिंगुलर होता हैज हमेशा सिंगुलर होता है और हैव हमेशा प्लूरल होता है। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का मतलब है, यानी यह हमेशा आई वी यू दे और नेम्स, नेम्स मतलब जैसे राम श्याम मोहन इटीसी, जो एक से अधिक नाम जब साथ में यूज करते हैं उसके साथ इसका यूज हम करते हैं। और सिंगुलर का मतलब है मेरा ही सी इट नेम इटीसी, जितने भी सिंगुलर वर्ड हमारे होते हैं उसके साथ इसका यूज करेंगे। हैव का जो सेकेंड और जो थर्ड फॉर्म होता है वो दोनों मिला के होता है हैड होता है, ये पास्ट भी होता है, ठीक ना। तो हैड हमेशा इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है, और जैसा कि पहले बताया हूँ कि फोर्थ फॉर्म हमेशा आईएनजी फॉर्म होता है, इसलिए हैव जो है वो क्या होता है, हैविंग हो जाता है। तो ये हमारा होता हैव के फोर्थ फॉर्म। पहला हैज हैव जो फर्स्ट फॉर्म है, दूसरा और तीसरा हैड, और थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म है हैविंग। तो अब हम इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आते हैं हम फर्स्ट रूल पे। हमारा जो फर्स्ट रूल है वो हैज और हैव, हैज और हैव या हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, यानी हैज हैव हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और आपको पता ही है कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है, एस वी ओ से। तो ये हमारा हो गया एस, इसके पूरा जो सेक्शन है ये हमारा वर्ब हो गया, और लास्ट में बच जाता है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा जो पहला रूल है वो हमारा हैज हैव हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज और हैव जो है यह प्रेजेंट को शो करता है, यह प्रेजेंट को शो करता है, और जो हैड होता है वो यहाँ पर पास्ट को शो करता है। अब प्रेजेंट और पास्ट ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम समझते हैं। जब भी अगर ये इस रूल का अगर आपको इस्तेमाल करना हो, इस रूल का इस्तेमाल हम हमेशा परफेक्ट टेंस में करते हैं, परफेक्ट टेंस में करते हैं। और जैसा कि देख ही रहे हैं ये प्रेजेंट है ये पास्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो हम उसके साथ इसका यूज करते हैं। अब जिसको प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो उससे मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कार्य जो पूरा हो चुका है, जो पूरा हो चुका है, ऐसा कार्य जो पूरा हो चुका है, ध्यान समझिएगा, ऐसा कार्य जो पूरा हो चुका है, ठीक ना, वह हमारा होता है परफेक्ट टेंस। वह हमारा होता है परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ही होता है पूरा होना, तो होता है हमारा परफेक्ट टेंस। अब सवाल उठेगा कि कैसे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट है कि पास्ट है। तो पूरा तो हो चुका है यानी पूरा हुआ है, इसका मतलब पास्ट में है, लेकिन कैसे हमको पता चलेगा कि इसको हम प्रेजेंट में बोले कि पास्ट में बोले। तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, पहली बात जब हिंदी में उसको बनाएंगे तो उसके लास्ट में हमेशा है या है से जुड़े जो वर्ड हैं वो आएंगे, है हूँ ऐसे सब वर्ड आएंगे, और पास्ट का रहेगा तो था थी थे वाले वर्ड हमेशा यूज में आएंगे। लेकिन फिर भी अगर अच्छे से डिटेल में पहचानना है तो सिंपल सी बात है कि अगर जो कार्य जो पूरा हो रहा है, जो कार्य पूरा हो रहा है, और उस कार्य का जो इफेक्ट है, उस कार्य का जो भी इफेक्ट है, इफेक्ट मतलब जो उसका असर है प्रभाव है, अगर वो अभी भी प्रेजेंट में है, वो अभी भी प्रेजेंट में है, तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि माँ खाना पका चुकी है, माँ खाना पका चुकी है, तो पकाने का काम तो हमारा पास्ट में पूरा हो चुका है,
लेकिन अगर सेंटेंस को देखा जाए तो लिखा है इसमें कि माँ खाना पका चुकी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो खाना है वो अभी भी हमारे लिए उपलब्ध है, हम उसे कभी भी खा सकते हैं। मेरा पेट भर चुका है, देखा जाए तो खाना खा के मैंने अपना पेट तो भर लिया है, लेकिन पेट भर चुका हूँ इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे फिर से खाने का कोई मन भी नहीं है। इसका मतलब जो मैं खाना खाया था उसका असर अभी भी मेरे ऊपर चल रहा है। तो इस तरह देखा जाए जो काम पूरा हो चुका है लेकिन उसका असर अभी भी प्रेजेंट में है, तो वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि मैं डू का प्रयोग पढ़ा चुका हूँ, तो भले डू का प्रयोग मैंने कल की वीडियो में आपको पढ़ाया है लेकिन उसका असर अभी भी है, वो वीडियो मेरा उपलब्ध है और आप जब चाहे उससे आप उससे पढ़ सकते हैं, उसके बारे में सीख सकते हैं, तो उसका असर अभी भी आपके ऊपर चल रहा है, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। और वही कार्य जो बीत गया या उसका असर समाप्त हो गया, जिसका असर यानी इफेक्ट जो है समाप्त हो गया है, वो हमारा है पास्ट परफेक्ट। अब असर समाप्त हो गया तो क्या हो गया, वो पास्ट परफेक्ट। जैसे कि बच्चा खेलते हुए घर पे गया, बोला कि माँ मुझे खाना दो, तो माँ ने कहा मैं खाना बनाई थी। अब ऐसे ही लग रहा है कि खाना बनाई थी, इसका मतलब क्या हुआ, खाना खा पी कर ख़त्म भी हो चुका है। मैं जैसे कि सपोज दैट कि उसकी उसकी हड्डी टूट गई थी, इसका मतलब वो इलाज हो चुका है, वो बढ़िया भी हो चुका है। मुझे चोट लगा है, इसका चोट लगने का मतलब हुआ कि चोट तो लगने का काम खत्म हो गया लेकिन असर अभी भी है, चोट अभी भी है, या तो ब्लीडिंग हो रहा है या फिर घाव दिख रहे हैं। मुझे चोट लगी थी, इसका मतलब ये हुआ कि जो असर था वो असर समाप्त हो गया है। तो इस तरह देखा जाए तो परफेक्ट वो कहलाता है जो कार्य पूरा हो चुका है लेकिन उसका असर अगर अभी भी है तो प्रेजेंट में है, और असर समाप्त हो गया है तो पास्ट में है। तो ऐसे ही सेंटेंस को बनाने के लिए हम इस रूल का यूज करते हैं। जैसे कि मैं माँ ने खाना पका चुका है, तो मॉम हैज कुक्ड फूड, मॉम हैज कुक्ड फूड। मैं आपको डू का प्रयोग पढ़ा चुका हूँ, तो आई हैव टॉट यू द यूज ऑफ डू, आई हैव टॉट यू द यूज ऑफ डू, द यूज ऑफ बी ETC। पास्ट में था ठीक ना, पास्ट में था। तो जैसे सपोज दैट कि राहुल ने पिछले मैच में सेंचुरी लगाया था, तो राहुल ने पिछले मैच में एक बड़ा सिक्स लगाया था, तो राहुल हैड हिट अ बिग सिक्स इन द लास्ट मैच या इन द प्रीवियस मैच। यानी जो ऐसा काम जो खत्म हो चुका उसका असर अभी भी है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और ऐसा काम जो खत्म हो गया असर भी खत्म हो गया तो होता है पास्ट परफेक्ट होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पे, सेकंड रूल पे। सेकंड रूल हमारा जो होता है वो होता हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी देखा जाए तो ये एस हो गया, ये पूरा भी हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो लास्ट में बचेगा, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड रूल हमारा ये है। अब दोस्तों जब भी अगर आपको ऐसा कोई, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ, आपको सेंटेंस बताना है, जैसे कि उस सेंटेंस में आपको ऑर्डर दिखाना है, उसमें आपको अपनी जिम्मेदारी को दिखाना है, अपने कर्तव्य को दिखाना है, ड्यूटी को दिखाना है, अपने मजबूरी को दिखाना है, या किसी बात से आप फोर्स है मजबूर हैं वो करना है ठीक ना, या कोई अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई जिम्मेदारी है जिसको आपको पूरा करना है, तो वैसे सेंटेंस को बोलने के लिए हम हमेशा हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि अब ऐसा जो भी हम सेंटेंस बोलेंगे उसके लास्ट में या तो ना है आएगा या फिर पड़ता है, पड़ता है, जैसे सेंटेंस हमारे साथ हिंदी में बोलने पर आएंगे। जैसे कि आज मुझे किसी भी हाल में उसके घर जाना है, यानी ये आपकी कोई ना कोई मजबूरी है या आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे किसी भी हाल में वहाँ पे जाना है, तो आई हैव टू गो देयर एनी हाउ ठीक ना। मेरे पिता ने मुझे शॉप पर बुलाया है तो मुझे वहाँ जाना है। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि अपने पिताजी की ये बात को मानना भी है, तो उस तरह देखा जाए तो आई हैव टू गो टू माई शॉप बिकॉज माई फादर हैज कॉल्ड मी। तो इस तरह देखा जाए तो ये मेरा कर्तव्य है,
सपोज दैट आप मजबूर हैं, ठीक ना, कुछ भी हो जाए मुझे यह काम करना पड़ता है, यानी किसी भी कंडीशन मुझे काम करना पड़ता है, यानी मजबूर है आप, तो एनी हाउ आई हैव टू डू दिस वर्क एवरी डे, मुझे प्रतिदिन यह काम करना पड़ता है। तो ऐसे जो भी सेंटेंस जिसमें आप ऑर्डर या कोई आपका कर्तव्य हो या आप मजबूर हैं या आपकी कोई जिम्मेदारी है, ऐसे सेंटेंस को जब भी अगर बोलना है तो हम इसका यूज करते हैं। जब मैंने बी का यूज पढ़ाया था तो बी के यूज जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि एक नोटिस देने के लिए या इंस्ट्रक्शन देने के लिए या इंफॉर्मेशन देने के लिए हम बी फर्स्ट प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट का यूज करते हैं। तो देखा जाए तो सेम टू सेम लगभग ऐसा ही होता है, लेकिन वो होता है मोरल एक्शन को दिखाता है। मोरल एक्शन का मतलब होता है ऐसे एक्शन जिसको हम स्वेच्छा से करना चाहते हैं। जैसे सपोज दैट मुझे भी पढ़ना है, लेकिन अगर कोई मान लीजिए सपोज दैट कोई अगर घर पर आ गया तो आप चाहे तो मेरे वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, यानी अपनी इच्छा से आप चाहे उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन सपोज दैट कोई मजबूरी है कि नहीं मुझे पढ़ना ही है, वही काम मुझे किसी भी हाल में करना है। सपोज दैट मैं वो बोला कि मैं 8 बजे आपसे लाइव बात करूंगा और 8 बजे से पहले मुझे ये काम मुझे आप लोग करके दिखा दीजिए। तो अब घर में मालिक सपोज आपके पास अगर वीडियो आता है तो आपको आपकी ये मजबूरी है कि नहीं सर चेक करेंगे इसलिए मुझे अभी ही करना है, तो अब यहाँ पे आप फोर्स्ड हैं। इसलिए जब फोर्स्ड रहेंगे तो इस रूल का यूज करेंगे कि आई हैव टू कम्प्लीट माई होमवर्क। और सिंपल सी बात है, अगर आप जनरली सिर्फ कहना चाहते हैं तो आई एम टू कम्प्लीट माई वर्क ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये हम आपकी जिम्मेदारी को या कोई फोर्स को या किसी ऑर्डर को नहीं शो करेगा। जब भी अगर ऑर्डर रिक्वेस्ट या जिम्मेदारी को शो करना है तो आपको इस रूल का यूज करना पड़ेगा। तो इस पर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक ना। जैसे कि मुझे हंसना पड़ता है, मुझे मुस्कुराना पड़ता है, मुझे वहाँ पर जाना पड़ता है, मुझे अपना होमवर्क करना पड़ता है, मुझे वहाँ पर किसी भी हाल में पहुँचना है, ठीक ना, मुझे अपने दोस्त को फ़ोन करना है। तो ऐसे जो भी सेंटेंस है जिसके लास्ट में ना है आएगा या पड़ता है आएगा तो आप उसके लिए इस रूल का यूज करेंगे। आते हम नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल हमारा देखा जाए तो सेम टू सेम इसी की तरह है, ठीक ना। बस ये हो जाएगा अब ये हैड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेम वही है जो भी हमने इसके बारे में पढ़ा। ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करेगा। कर्तव्य ऑब्लाइजेशन या फोर्स मजबूरी को दिखाएगा या हमारे ड्यूटी को दिखाएगा या कमांड आदत हमारे किसी भी ऐसे कार्य को दिखाएगा। लेकिन यह जैसे कि ये प्रेजेंट होता है तो ये हमारा पास्ट होता है। अब इसके सेंटेंस में जब भी आप बोलेंगे लास्ट में तो आप बोलेंगे ना था या पढ़ा, ऐसे सेंटेंस और हिंदी में बोलेंगे आप तो लास्ट में आएगा ना था या पढ़ा। जैसे कि मुझे ना चाहते हुए भी वहाँ पर जाना पड़ा, तो आई हैड टू गो देयर विदाउट विशिंग, ना चाहते हुए मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। मुझे अपना ये होमवर्क पूरा करना पड़ा, यानी आपकी मजबूरी थी या आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था, आप मजबूर थे या किसी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था जिसके वजह से आपको ये काम करना पड़ा। तो आई हैड टू कम्प्लीट माई होमवर्क, मुझे काम करना पड़ा। मुझे उस पार्टी में एक गाना गाना पड़ा, आई हैड टू सिंग अ सॉन्ग इन द पार्टी। तो इस तरह देखा जाए जो भी काम हम मजबूरी में ऐसा काम जो पास्ट में मजबूरी में हुआ है उसको बताने के लिए हम इस रूल का यूज करते हैं। तो आते हम नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ नंबर कि हैज या हैव या हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आई एन जी। और वही बात, ये पूरा वर्ब हो गया तो सब्जेक्ट वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट अब इसका यूज करेंगे। पिछले वीडियो में किसी पंकज कुमार जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर आपने बी का यूज जब पढ़ाया तो बी का फर्स्ट फॉर्म का यूज बताया, बी के सेकेंड फॉर्म का यूज बताया,
लेकिन बी के थर्ड फॉर्म का यूज आपने नहीं बताया। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये सब अकॉर्डिंग टू रूल यूज होता है। जैसे कि अब ये हैज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, तो अब यहाँ जो हमको बी का यूज करना है तो ये थर्ड फॉर्म की तरह इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसका ज़्यादा यूज बस और कंडीशन के ऊपर होता है कब कैसे करना है। उस तरह बींग होता है तो बी ई आई एन जी, तभी मैंने पीछे बताया था कि इज एम आर वाज वर के बाद हमेशा आई एन जी फॉर्म आते हैं, तो उस तरह जब कभी यूज होगा तो वो आई एन जी के रूप में वहाँ पर इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अभी देखते हैं हैज हैव हैड प्लस बीन पास्ट वर्ब में आई एन जी, इसका यूज हम लोग हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं। इसका यूज हम लोग हमेशा प्रेजेंट सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं। अब वही बात है, हैज और हैव है ये आपका प्रेजेंट हो गया और हैड हमारा हो गया ये पास्ट हो गया। अब सवाल उठता है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है इसको समझने के लिए ये समझिए, ऐसा कार्य जो एक समय से स्टार्ट है, ऐसा कार्य जो एक समय से स्टार्ट है और कुछ समय तक चल रहा है, कुछ समय तक वो चल रहा है। अगर वो सेंटेंस अभी भी हो रहा है, मतलब वो कार्य अभी भी हो रहा है, तो वो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि मैं पिछले कुछ मिनटों से यह पाठ पढ़ा रहा हूँ, तो ये बता रहा है कि कुछ मिनटों से ही मेरा काम क्या है अभी शुरू हुआ है। मैं सन 2001 से टीचिंग करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं सन 2001 से पढ़ा रहा हूँ, तो ये बता रहा है कि पढ़ाने काम तो हो रहे हैं लेकिन एक समय भी दिया है कि ये समय स्टार्ट कब हुआ है, 2001 से हुआ है। उसी तरह जब ये पास्ट में रहेगा तो ये बताएगा कि एक समय से स्टार्ट हुआ था और कुछ समय तक ये चल रहा था। जैसे कि कल राजकोट से ट्रेन बलिया के लिए चल रही थी, राजकोट से चल रही थी, यानी अब चल रही थी, अब बीच में समाप्त हो गया या रुक गया होगा या उसके यात्री पहुंच गए होंगे, लेकिन ये बता रहा था कि जैसे ट्रेन राजकोट से बुधवार से चल रही थी, अब चल रही थी बता रहा, चल रही थी यानी काम पूरा हो गया है, इसका मतलब बता रहा समय दिया है कि बुधवार से ही वो चल रही थी। वह सुबह से अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, तो सुबह से अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था यानी काम तो खत्म हो गया है लेकिन ये काम जारी था, और कब से जारी था, सुबह से जारी था। तो ऐसे जब भी सेंटेंस हमको बनाना होता है तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि मैं कुछ सालों से बलिया में रह रहा हूँ, तो हम बनाए कैसे कि I have been living in Balia। अब समय दिया है कुछ सालों से, तो समय के लिए हम सिंस या फॉर लगाते हैं, तो सिंस फॉर में से कौन सा लगाएंगे, तो सिंस हमेशा फिक्स टाइम के लिए होता है और फॉर हमेशा स्लो टाइम के लिए होता है। तो इस तरह हम आगे हम इसको कोई भी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप में हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि वो सुबह से पढ़ रहा था, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। हाँ, मैं चर्चा कर रहा था इस पर सिंस और फॉर पे कर रहा था, तो सिंस जो होता है वो फिक्स टाइम के लिए होता है, सिंस हमारा होता है फिक्स टाइम के लिए और फॉर होता है इंडेफिनिट टाइम के लिए। इंडेफिनिट टाइम का मेरा मतलब ये है जैसे कि कुछ समय से, कुछ घंटों से, कुछ सालों से, कुछ महीनों से, कुछ देर से, तो ऐसा सेंटेंस जो पता नहीं चल रहा है कि फिक्स टाइम हमारा क्या है। और सिंस का प्रयोग हम फिक्स टाइम के लिए करते हैं, जैसे सन 2001 से, 2005 से, पिछले रविवार से, कल से, सुबह से, दोपहर से, रात से, यानी ये सब जो टाइम हमारे होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं और इसके लिए हम लोग फॉर लगाते हैं। तो इस तरह कोई भी सेंटेंस हो, जैसे कि वो सुबह से पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रहा था, तो ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह कुछ समय से खेल रहा था, तो ही हैड बीन प्लेइंग
फॉर सम टाइम, वो कुछ समय से खेल रहा था, वो कुछ समय से खेल रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर सम टाइम। तो इस तरह हमारा ये फोर्थ रूल भी समाप्त हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल हमारा अब ये हैव का लास्ट रूल है। यह बताता है हैव के इम्पोर्टेंस को। अब देखा जाए तो जो हैव है अभी हम इसको पढ़ रहे थे प्राइमरी वर्ब के रूप में। प्राइमरी वर्ब का मतलब हमारा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इसको पढ़ रहे थे। हेल्पिंग वर्ब मतलब इसका अपना खुद का सेंस नहीं होगा, लेकिन जिसके साथ में जो वर्ब आएगा उस पर ये इफेक्ट डालता है। लेकिन अब हैव का यूज हम लोग मेन वर्ब की तरह भी करते हैं। हैव का यूज हम लोग सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। मेन वर्ब जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कि बी का मतलब, बी को मेन वर्ब की तरह पढ़ते हैं तो बी का मतलब होना या बनना होता है। उस तरह डू का हमने पढ़ा था कि डू का जो, अगर हम डू को मेन वर्ब की तरह पढ़ते हैं तो डू का मतलब करना होता है। उस तरह देखा जाए तो हैव को भी अगर पढ़ते हैं तो हैव का भी सेंस कई सारा होता है। अब ये हैव एक ऐसा वर्ब है जो मल्टीपर्पज यूज होता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो आज हम सबके पास स्मार्टफोन है, और एक स्मार्टफोन हमारे पास वो मोबाइल का भी कार्य करता है और टीवी का भी काम करता है, बैंक का भी काम करता है, कैलकुलेटर का, फोटो खींचने का, ठीक ना, बात करने का, और भी मल्टीपर्पज हो गया है। तो उसी तरह आजकल जो हैव है ये अभी थोड़ा सा कि आजकल मॉडर्न हो गया है और ये कई तरह के वर्ब का काम अकेले कर सकता है। जैसे अगर हैव जो है ना, हैव का यूज हम लोग टॉक का मतलब बात करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि I have some words with you। अब यहाँ पर have का मतलब है कि मैं बात करना चाहता हूँ, I want to have some words with you। अब यहाँ पर have का मतलब है बात करना, क्योंकि आगे का जो भी वर्ड है हमारा सेंस क्लियर कर देगा। जैसे वर्ड्स लिखा ना, वर्ड्स, तो वर्ड्स मैंने बात होता है, शब्द होते हैं, और यहाँ पर हैव का मतलब हो गया बात करता। तो आई वॉन्ट टू हैव सम वर्ड्स विथ यू, यानी हैव को हम यह मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हैव का यूज हम लोग ईट खाने के लिए या पीने के अर्थ में भी हम करते हैं। खाने के लिए जैसे बोलते हैं ना कि I have an egg in my breakfast, यानी मैं अपने नाश्ते में एक अंडा खाता हूँ, ड्रिंक के लिए तो आप सुनते भी होंगे पार्टी में लोग बोलते हैं प्लीज हैव अ कप ऑफ टी का मतलब हुआ कि कृपया एक कप चाय पीजिए। अब लोग पूछते भी है कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कोल्ड और हॉट, कि आप क्या पीना पसंद करेंगे, ठंडा या गर्म। तो इस तरह हैव का यूज हम लोग पीने के अर्थ में भी करते हैं, खाने के अर्थ में भी करते हैं। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में हम लोग देखते हैं कि एक सेंटेंस दिखाई देता है जो अक्सर लोग कहते हैं या तो मिसप्रिंट हुआ है या फिर कुछ उसमें रॉन्ग हो चुका है। तो मैं बताना चाहूँगा सेंटेंस हमेशा ऐसा दिखाई देता है कि I had a mango। तो बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर हैड दिया है, यहाँ भी हैड दिया है, दो दो फॉर्म दिया है, जिसका इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस हमारा गलत है। तो गलत नहीं है, अभी मैंने पीछे पढ़ा था ना कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो हैड है वो हमारा पहला जो रूल था प्रेजेंट परफेक्ट वाला, पास्ट परफेक्ट वाला, ये उसका है। और ये जो हैड है यहाँ पर इट के रूप में है, इट, क्योंकि यहाँ पर मैंगो लिखा है और मैंगो को हम पीते तो है नहीं, खाते हैं उसको। उस तरह देखा जाए तो यहाँ पर इट के रूप में है और इट यानी थर्ड फॉर्म, तो इट का थर्ड फॉर्म इटेन होता है। लेकिन इट हम इसके जवाब पर हैव का भी यूज कर सकते हैं। उस तरह देखा जाए तो हमने यहाँ पर हैव का यूज कर दिया, तो हैव का थर्ड फॉर्म होता है हैड, इसलिए हमने लिख दिया I had a mango। इसका मतलब हुआ कि मैं आम खाया था। तो ये सेंटेंस हमारा गलत नहीं है, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल 100% सही है। उस तरह अगले रूप अगर आते हैं तो हैव का यूज हम लोग रिसीव, हैव का यूज हम लोग रिसीव, गेट के रूप में भी करते हैं।
रिसीव गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं अपने भाई को स्टेशन से लाने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू रिसीव माई ब्रदर फ्रॉम द स्टेशन। तो रिसीव की जगह पे हम हैव का भी यूज कर सकते हैं कि आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रदर फ्रॉम द स्टेशन। तो यहाँ पर गेट का मतलब भी वही, गेट मैंने भी पाना होता है, रिसीव मैंने भी प्राप्त करना होता है। अगला है हमारा कि हम हैव का यूज पॉसेस, पॉसेस का मतलब होता है रखना, पॉसेस मतलब रखना, हम इसको रखने, रखने का मतलब के पास होने के अर्थ में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक मार्कर रखता हूँ, तो आई पॉसेस अ मार्कर, आई पॉसेस अ मार्कर। हम चाहे तो इसके जगह पे हैव का भी यूज कर सकते हैं, आई हैव अ मार्कर। उसे बाय द वे आप लोग बचपन से आई हैव का यूज हम ऐसे ही पढ़े होंगे कि आई हैव टू पेन, आई हैव थ्री पेन्स, आई हैव फोर बुक्स, आई हैव फोर ब्रदर्स, आई हैव वन सिस्टर, तो ऐसे हम लोग पढ़ते होंगे। तो प्रोसेस का अर्थ हम लोग रखने के अर्थ में भी यूज हम लोग करते हैं। हैव का यूज हम लोग एक तरह से सीट के अर्थ में भी करते हैं, सीट, सीट मैंने बैठने के अर्थ में भी करते हैं। सर बोलते हैं ना प्लीज हैव योर सीट। सीट का मतलब स्थान होता है, यानी आप क्या करिए, आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, अर्थात आप अपने जगह पर बैठ जाइए। तो इस तरह देखा जाए तो ये था हमारा आज का हैव का यूज, और ये हैव के यूज के साथ ही हमारा प्राइमरी वर्ब आज समाप्त होता है। अगले वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब के यूज के बारे में, कैन, कुड, मे, माइट, डू, ईटीसी, हमारे जो मॉडल वर्ब है उसके यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जाने से पहले एक बच्ची ने, जिनका नाम प्रियंका है, उन्होंने कमेंट में हमसे पूछा था कि सर जैसे कि जो प्रॉपर नाउन होता है राम, श्याम, मोहन, ईटीसी, ये प्रॉपर नाउन होता है, तो अगर ये अगर एक से ज़्यादा नाम हो गए तो क्या ये कॉमन नाउन नहीं हो सकते हैं। तो मैंने पीछे ही बताया था कि राम, श्याम, ये सब प्रॉपर नाउन तो हैं लेकिन ये अपने आप में अकेले होते हैं। हो सकता है कि राम नाम के हयाव लड़के हो सकते हैं, श्याम नाम के हयाव लड़के हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही क्वालिटी के हो, एक ही कैटेगरी के हो, एक ही शक्ल के हो, एक ही खूबियाँ उनमें भरी हों। इसलिए वो राम और जो श्याम है वो अपने आप में यूनिक हैं, लेकिन जब हम उनका उनके नामों को बस जनरली के तौर जनरल के तौर पर यूज करते हैं, जैसे कि मेरे चार दोस्त हैं जिनका नाम राम है, तब यहाँ पर राम कॉमन नाउन हो सकता है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर दोस्तों की बात हो रही है और दोस्तों का बस एक ही गुण होता है, दोस्ती निभाना। मेरे 10 स्टूडेंट हैं राम नाम के, तो यहाँ पर राम भी अब कॉमन नाउन हो सकता है, क्योंकि बस इनमें सब एक ही क्वालिटी है जो सेम है, वो है स्टूडेंट का। तो इस तरह देखा जाए तो जो प्रॉपर नाउन होता है उसको हम कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, लेकिन जब उसमें कॉमन नाउन वाला कोई गुण उसमें मिलता है तब। तो इसी तरह आप लोग कोई भी अगर मन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर उससे भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके भी आप उसका आंसर मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और इस पर आप बहुत सारा एक्सरसाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो जितना आप पढ़ेंगे उतना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके जो डाउट्स हैं आपके क्लियर होते जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए।